करंटली इंडिया में 20 लाख के अंदर सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग व्हीकल थार को ही माना जाता है। फोर्स गुरखा भी है, लेकिन वो गाड़ी हमें इतनी वर्सेटिलिटी नहीं देती है जिस हिसाब से थार दे देती है। थार में आपको हार्ड टॉप सॉफ्ट टॉप भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ में 3 इंजन के ऑप्शन मिल जाते हैं और फीचर्स भी काफ़ी बेहतरीन हैं, लेकिन फोर्स गुरखा के साथ आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर मारुति सुजुकी ने अपनी जिम्नी को अनवील कर दिया है। वैसे तो पिछले 2 साल से जिम्नी इंडिया में बनकर बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, लेकिन अब मारुति सुजुकी ने इसके 5-डोर वर्जन को इंडिया में अनवील कर दिया, जो कि स्पेशली इंडिया के लिए बनाई गई है। तो आज हम इन दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइसेस, फीचर्स, सब कुछ कंपैरिजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। थार में आपको 3985 mm की लेंथ देखने को मिलेगी और यही सेम लेंथ आपको जिम्नी में भी देखने को मिलेगी। विड्थ की अगर बात करें चौड़ाई, तो 1820 mm की आपको चौड़ाई थार के साथ मिलेगी और जिम्नी में 1645 mm की। हाइट में आपको 1844 mm देखने को मिलेगी थार की हाइट और जिम्नी की 1720 mm। ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको थार आगे देखने को मिलेगी, 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है थार में और जिम्नी में 210 mm की, जो कि फिर भी ठीक ठाक है ऑफ रोडिंग के लिए। और व्हील बेस में 2450 mm का व्हील बेस है, लेकिन जिम्नी में 2590 mm का व्हील बेस है। थार साइज में बड़ी है जिम्नी से। अगर हर डायमेंशन की बात की जाए व्हील बेस को छोड़कर, तो थार काफ़ी बड़ी है और थार की रोड प्रेजेंस भी जिम्नी के सामने काफ़ी मस्कुलर और बड़ी लगती है। लेकिन अगर लेग स्पेस और रियर सीट पैसेंजर स्पेस की बात की जाए, तो यहाँ पर बाजी जिम्नी मार जाती है, क्योंकि जिम्नी में आपको 5 डोर्स मिलते हैं जिसमें कि एंट्री और एग्जिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और वहीं थार में आपको 3 डोर्स मिलते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता है अंदर बाहर जाने में। सो साइज और डायमेंशंस में तो थार बड़ी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में और स्पेस में जिम्नी काफ़ी आगे है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शन की। थार में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं और जिम्नी में केवल 1। तो थार में आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन मिल जाता है, जो कि 4x4 नहीं है और 117 bhp की पावर जनरेट करता है, साथ में 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। दूसरा इंजन आपको 2.0 लीटर पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, जो कि 4x4 ऑप्शन के साथ आता है और 150 bhp की पावर और 320 nm का टॉर्क देता है। और तीसरा इंजन है 2.2 लीटर डीजल इंजन, जो कि 130 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क देता है। तो थार के तो आपको 3 इंजन मिल जाते हैं। वहीं जिम्नी में आपको सेम ब्रीजा और अर्टिगा वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 103 bhp की पावर जनरेट करता है और 134 nm का टॉर्क। मतलब यहाँ पे समझ में नहीं आया कि मारुति सुजुकी ने क्या चीज़ के लिए इंजन डाला गया इसमें, क्योंकि ये गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, ऑफ रोडिंग में पावर की ज़रूरत होती है, ना कि माइलेज की। लेकिन सुजुकी ने इसमें केवल अपना ब्रेजा वाला और अर्टिगा वाला ही इंजन डाला है। दोनों ही कार्स में 4x4 दिया गया है, 4 हाई एंड 4 लो, और जिम्नी के साथ आपको ऑल ग्रिप टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी। लेकिन पावर वाइज देखा जाए तो जिम्नी काफ़ी पीछे है थार से। और एक बात और, ऑफ रोडिंग व्हीकल में अगर डीजल इंजन ना आए तो काफ़ी कमी सी लगती है गाड़ी चलाने में। सेम ब्रीजा और अर्टिगा वाला इंजन देखे कभी काम नहीं चलेगा मारुति। मारुति को एटलीस्ट अपना डीजल इंजन इंट्रोड्यूस करना चाहिए मार्केट में फॉर ऑफ रोडिंग व्हीकल्स। आपका क्या सजेशन रहेगा इस चीज़ में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब कर लेते हैं माइलेज की बात, जिसमें आपको ऑब्वियसली पता है कि कौन विनर रहने वाला है। ऑफिशियली महिंद्रा एंड सुजुकी ने अभी तक दोनों ही गाड़ियों के माइलेज फिगर्स को रिवील नहीं किया है। जिम्नी में ब्रीजा ओर्टिगा वाला इंजन है, तो आपको 18-20 kmpl का माइलेज क्लेम मिल जाएगा गाड़ी के साथ। और थार में 2 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ आपको 9-10 kmpl का माइलेज मिल जाएगा। वहीं 2.2 लीटर डीजल इंजन के साथ आपको 13-15 kmpl का माइलेज क्लेम करेगा इंजन। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर की, कि दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में आपको कौन कौन से फीचर्स कॉमन मिल जाते हैं। सबसे पहले रियर डिफॉगर और वाइपर आपको दोनों ही गाड़ियों के साथ देखने को मिलेगा। टेलगेट माउंटेड स्पेयर व्हील, मतलब कि पीछे डिक्की वाले दरवाजे में आपको टायर लटका हुआ दिख जाएगा, जो कि एक रगेड और ऑफ रोडिंग लुक देता है गाड़ी को।
इसके साथ ही हेलोजन फॉग लैंप्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, ये दोनों ही चीजें आपको गाड़ियों में कॉमन मिल जाएंगी। थार में आपको 18 इंच के एलॉय मिल जाएंगे, वहीं जिमनी में आपको 15 इंच के एलॉय मिलेंगे, जो कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है ऑफ रोडिंग के कारण से देखा जाए तो। हेडलाइट की अगर बात करें तो जिमनी के साथ आपको LED हेडलाइट मिल जाती है राउंड शेप की, वहीं थार में आपको बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है। और टेल लाइट में आपको अपोजिट है, जिमनी में आपको बल्ब वाली टेल लाइट मिलती है और थार में LED टेल लाइट मिलती है। कूल फीचर अगर देखा जाए तो हेडलाइट में आपको वॉशर का फंक्शन दिया गया है जिमनी के साथ, जो कि काफ़ी महंगा और प्रीमियम फीचर साबित होता है। बट थार आपको हार्ड टॉप और सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, जो कि जिमनी में ऐसा कुछ भी दिखता नहीं है। जिमनी में आपको रूफ माउंटेड एंटीना मिल जाएगा, वहीं थार में आपको फेंडर में माउंटेड एंटीना मिल देगा, जो कि काफ़ी रगेड और कूल लुक देता है थार को। तो ये थे दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में मिलने वाले फीचर्स। अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के कॉमन फीचर्स की। तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मैनुअल IRVM, फैब्रिक सीट्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये सब चीज़ें आपको कॉमन मिलने वाली हैं। लेकिन जिमनी के साथ आपको 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी, जो कि थार में केवल 7 इंच की आती है। जिमनी के फ्रंट सीट में आपको फुली रेक्लाइनर का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि पूरी 180 डिग्री में फ्लैट हो जाती हैं, जो कि आमतौर पर इंडिया में किसी भी गाड़ी को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थार में ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की। तो थार को ग्लोबल NCAP में 4 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 5, जो कि काफ़ी बेहतरीन टेस्ट रेटिंग स्कोर करता है अपने आप में कस्टमर की सेफ्टी के लिए। लेकिन जिमनी की अगर हम बारे में बात करें तो मारुति का इतिहास थोड़ा ठीक नहीं रहा है क्रैश टेस्ट को लेकर, यानी कि सारी गाड़ियों ने काफ़ी बुरा आपको क्या लगता है कि जिमनी क्या स्कोर करेगी अगर उसका क्रैश टेस्ट होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे ये चीज़ें। सेफ्टी फीचर की अगर हम बात करें तो जिमनी के साथ आपको 6 एयरबैग्स ऑप्शन मिल जाता है, थार में आपको केवल ड्यूअल एयरबैग का ऑप्शन है। और दोनों ही गाड़ियों में आपको ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, एसोफिक चाइल्ड एंकरेज और रियर पार्किंग कैमरा विद सेंसर्स आपको कॉमन मिल जाते हैं। तो ये थे दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर में मिलने वाले कॉमन फीचर्स। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतरीन है। क्योंकि थार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और ये अभी केवल 3 डोर है, तो ऑब्वियसली इसकी प्राइसिंग तो कम होने वाली नहीं है। लेकिन जिमनी के साथ आपको इंजन थोड़ा कम दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग को कंपनी ऑब्वियसली कम रखने वाली है। तो प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो आप जिमनी को प्रिफर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर लेग स्पेस, ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा कंफर्ट के हिसाब से आप जिमनी को फिर से प्रिफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए और ऑफ रोडिंग में महिंद्रा का कोई जवाब नहीं है, तो वो सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए आप थार को ऑब्वियसली चूज़ कर सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अंत तक आप बने हैं तो आपका दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।